नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन की किताब से द प्लेटफॉर्म से बायोलॉजी का जो है एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो अभी हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर नंबर 16 होगा, जो कि आपका पारिस्थितिक इकोलॉजी का होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी का क्वेश्चन आंसर सेट प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है भूमि अपरदन। तो भूमि अपरदन सॉइल इरोजन की रोकथाम संभव है। ऑप्शन नंबर ए पुनः वन रोपण एफोरेस्टेशन से। तो पुनः वन रोपण एफोरेस्टेशन से भूमि अपरदन सॉइल इरोजन की रोकथाम संभव है। क्वेश्चन नंबर 2 है सूर्य के प्रकाश से पैराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी ओजोन O3 उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है वन पारिस्थितिकी तंत्र। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर उत्पादक प्रोड्यूसर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है जीवो तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। जीवो तथा जो है वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन बी इकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कितनी है। लगभग ऑप्शन नंबर सी 0.3% है। क्वेश्चन नंबर 6 है अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन सी ATP से प्राप्त होती है। अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो आपकी जो है ATP से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधे व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती जो उत्पादित करती है। ऑप्शन नंबर सी ओजोन O3 करती है। ठीक है, तब 9 है अम्ल वर्षा इंसिडेंट का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर सी वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में भूमि अपरदन सॉइल इरोजन का सबसे गंभीर कारण है। ऑप्शन नंबर डी वन कटाव है। क्वेश्चन नंबर 11 मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आर्द्रता जल हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाती है। 12 नंबर जल क्रांति वाटर लॉगिंग कहाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए चिकनी मिट्टी क्ले में होती है। 13 नंबर है खाद कड़ी। तो खाद कड़ी फूड चेन के शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। 14 आपका पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता हुआ है। ऑप्शन नंबर सी कोशिका जल कैपिलरी वाटर है। 15 नंबर है पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिथोफाइट्स कहते हैं। तो पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं उसे लिथोफाइट्स कहते हैं। 16 नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है। ऑप्शन बी शैवाल कहा जाता है। तो नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को शैवाल कहा जाता है। ठीक है, 17 है भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन बी लिंडमान ने दिया था। तो भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत लिंडमान ने दिया। 18 नंबर है दीमक। तो दीमक टर्माइट लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रवित होती है। ऑप्शन बी सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा। तो दीमक टर्माइट लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होते हैं उसे सहजीवी प्रोटोजोआ कहते हैं। 19 सही जोड़े को मिलाइए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो एक कॉस्मोलॉजी का आपका हो जाएगा ब्रह्मांड का अध्ययन, इकोलॉजी का आपका हो जाएगा पर्यावरण का अध्ययन, और एंथोलॉजी का आपका हो जाएगा पुष्पों का अध्ययन, और पोमोलॉजी का आपका हो जाएगा पोमोलॉजी का आपका फलों का अध्ययन, और न्यूरोलॉजी का आपका हो जाएगा स्नायु तंतुओं का अध्ययन। तो स्नायु तंतुओं का अध्ययन आपका न्यूरोलॉजी। ठीक है, तो कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, न्यूरोलॉजी स्नायु तनियों का अध्ययन। 20 नंबर है पर्यावरण एनवायरमेंट किससे बनता। ऑप्शन नंबर उपयोग सभी से बनता है जीवीय घटकों बायोटिक फैक्टर से, भू आकृतिक फिजियोग्राफिक घटकों से, और अजैविक आपका एबायोटिक घटकों से। 21 है निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन बी महासागर। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन बी महासागर है। 22 है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है। ऑप्शन बी यूकेलिप्टस नहीं है। तो निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा पारिस्थितिक मित्र नहीं है। ऑप्शन बी यूकेलिप्टस है। 23 है निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एकादशीय प्रभाव दर्शाता। ऑप्शन बी ऊर्जा दर्शाता है। 23 है 24 है ह्यूमस किसका प्रकार है। ऑप्शन बी मृदा में क्षयमान जैव का। तो ह्यूमस आपका किसका प्रकार है, मृदा में क्षयमान जैव का। 25 है कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन सी अपघटक कहा जाता है, देखकर पूजक कहा जाता है। 26 है जीव मंडल स्वच्छ क्षेत्र का उद्देश्य। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जीव मंडल स्वच्छ क्षेत्र का उद्देश्य ऑप्शन डी है
वन उत्पादों का प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, और आपका वन्य भूमि या वनस्पति और प्राणी जात का प्रशिक्षण। 27 जैव मात्रा का पिरामिड किस प्राकृतिक तंत्र में उल्टा है? ऑप्शन सी तालाब में। तो जैव मात्रा का पिरामिड किस प्राकृतिक तंत्र में उल्टा? ऑप्शन सी तालाब में है। 28 में क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? ऑप्शन बी जल हायसिंथ पुष्प है। तो विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हायसिंथ पुष्प है, ठीक है। 29 है, ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करते हैं। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है ऑप्शन डी उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। 30 है, अफीम एक पौधे की उपज है जो निकोटीन से किस से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन डी फूलों से प्राप्त की जाती है। तो अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किस से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन डी फूलों से प्राप्त की जाती है। 31 खाद्य श्रृंखला किस में बनाई जा पाती है? तो खाद्य श्रृंखला किस में पाई जाती है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में समुद्री पारितंत्र में, वन पारितंत्र में और सरोवर पारितंत्र में पाई जाती है। 32 है, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियों पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? ऑप्शन डी ऑक्सीजन की कमी होगी। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियों पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? ऑप्शन डी ऑक्सीजन की कमी होगी। 33 है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी जैव भूरा रासायनिक चक्र कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भूरा रासायनिक चक्र कहते हैं। 34 निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी अपघटक बैक्टीरिया, ठीक है आपका अपघटक बैक्टीरिया सही है, ठीक है। 35 आपका क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाएं। तो ऑप्शन नंबर बी 4312 आपका सही है, ठीक है। 4 जड़, उसके बाद आपका तना, उसके आपका है पत्ती, उसके आपका है फूल, और लास्ट आपका है जो है फल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में फल, ठीक है। तो जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। तो एक बार 36 है, जैविक वस्तुओं का संगठन के सर्वाधिक उच्च स्तर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर जैव मंडल कहा जाता है। तो जैविक वस्तुओं का संगठन का सर्वाधिक उच्च स्तर को जैव मंडल कहा जाता है। 37 है, इनमें से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर सी गन्ना की। इनमें से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर सी गन्ना की। 38 है, सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है? ऑप्शन नंबर ए पंपास की। सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है? ऑप्शन नंबर सी पंपास की। 39 है, प्रकृतिक में पोषण रीतियां इनमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए पारितंत्र में। तो प्रकृति में पोषण रीतियां इनमें पाई जाती है आपके पारितंत्र में, ठीक है। कुछ आपका 40 नंबर है, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित दूतावास की गुणवत्ता का एक घटक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा हरित दूतावास की गुणवत्ता का एक घटक नहीं है? ऑप्शन बी छत पर सौर पैनलों का स्थापना आपका हरित दूतावास के गुणवत्ता घटक नहीं है। 42 है, पौधे की विशिष्ट रूप से विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए? ऑप्शन सी पर्यावरण स्थितियां। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सुपर फॉस्फेट आपका नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, बाकी आपका अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट है। 44 है, किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी जंतु व पादप क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी जीवोम बायोम कहलाते हैं। तो किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी जंतु व पादप क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी जीवोम बायोम कहलाते हैं। 45 है, किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव और अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थ को आक्रमित करते हैं? ऑप्शन बी कंपोस्टीकरण को कहते हैं। तो किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव और अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थ को अवक्रमित करते हैं? ऑप्शन बी कंपोस्टीकरण करते हैं। 46 में क्वेश्चन है, जीवाणुओं का समूह जो मृदा उर्वरता को कम करता वक्त है? ऑप्शन बी नाइट्रिक कारक है, ठीक है। तो जीवाणुओं का समूह जो मृदा उर्वरता को कम करता हुआ है नाइट्रिक कारक है। 47 है, प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें वसु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया था? ऑप्शन नंबर पारिस्थितिकी कहा था। प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया था उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। 48 है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन नंबर आर्थर ट्रांसले ने किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित? ऑप्शन नंबर आर्थर ट्रांसले ने किया था। 49 आपका है, जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य? ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक प्रक्रियाओं से सजीवों का उपयोग है। तो जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य जैव औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग है। 50 को जाना, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए
पारिस्थितिक इकोलॉजी कहा जाता है। तो जीव और पर्यावरण के बीच को अन्योन्याक्रिया को वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिक इकोलॉजी कहा जाता है। 51 विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, 52 आपका है हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? ऑप्शन 78% हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है। 53 है नक्शे के अध्ययन को कहा कहा जाता है? ऑप्शन बी कार्टोग्राफी कहा जाता है, नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। 54 आपका है निम्नलिखित अंश को पढ़े और इस पर आधारित प्रश्न को उत्तर दें। जलवायु परिवर्तन के मौसमी पैटर्न प्रभावित होने के कारण जल प्रबंधन और वितरण महत्वपूर्ण हो गया और इन दिनों में शहरी क्षेत्रों में वर्षा के जल का संचयन विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इस क्रिया में बाद में उपयोग करने के लिए वर्षा के जल का संग्रह करना और उसका भंडारण करना शामिल है। यह भूजल स्तर का पुनर्भरण करता है, मानसून के दौरान पानी के अपव्यय को रोकता है, मिट्टी का कटाव कम करता है, पीने का पानी की उपलब्धता में मदद करता है। इन सबसे ज्यादा यह जल संरक्षण की पद्धति को बढ़ावा देता है। यह पैराग्राफ विषय किस कथन का सबसे ज्यादा समर्थन करता है? ऑप्शन सी वर्षा जल संचयन समय की मांग का इसका करता है। ठीक है, 55 है निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनर्स्थापना है? तो ऑप्शन नंबर सी रिफॉरेस्टेशन है आपका, ऑप्शन सी रिफॉरेस्टेशन। 56 है लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े या पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले कॉनिकल शंकवाकार तंबू को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर टीपी कहा जाता है। ठीक है, तो लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले कॉनिकल तंबू को टीपी कहा जाता है। 57 है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। 58 है निम्नलिखित में से क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है? तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कचरा भराव क्षेत्र। तो निम्नलिखित में से क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण है? ऑप्शन नंबर डी कचरा भराव क्षेत्र। ठीक है, 59 है एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियों और जलीय पौधों को रखा जाता है, निम्नलिखित में से क्या एक्वेरियम के विषय में से सही? ऑप्शन नंबर ए यह मानवीय द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम है। ठीक है, तो एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियों और जलीय पौधों को रखा जाता है, निम्नलिखित में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? तो ऑप्शन नंबर ए यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम है। 60 आपका निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला, तो निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर ट्रॉपिक लेवल क्या? ऑप्शन बी चूहा है। ठीक है, 61 है मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या? ऑप्शन नंबर भूमि विज्ञान पेटोलॉजी है। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? ऑप्शन नंबर डी मेसोजोइक एरा के दौरान आपका डायनासोर फले फूले। फिर पौधों में पाए जाने वाले नीला बैगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक किसके उपस्थिति कारण होता है? ऑप्शन बी एंथोसाइनाइन के द्वारा होता है। तो पौधों में पाए जाने वाला नीला बैगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति कारण होता है? ऑप्शन नंबर डी एंथोसाइनिन के द्वारा होता है। 64 है पौधों के मामले में, तो पौधों के मामले में मिट्टी से सूखा गया नाइट्रेट क्या है? ऑप्शन बी मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित होता है। तो पौधों के मामले में मिट्टी से सूखा गया नाइट्रेट मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित होता है। 55 है दी गई श्रृंखला से अलग प्राणी का चयन करें? ऑप्शन नंबर डी मछली। दी गई श्रृंखला से अलग प्राणी का चयन, ऑप्शन नंबर डी मछली। 66 है फसल के पौधों के वे समूह जो वनस्पतिक पद्धति से उपजाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी गन्ना आलू और केला। तो फसल के पौधे को वे समूह जो वनस्पतिक पद्धति से उपजाते हैं, ऑप्शन नंबर डी गन्ना आलू और केला। 67 है दी गई श्रृंखला से अलग प्राणी का चयन करता, ऑप्शन नंबर डी मछली। तो मछली आपका है। 68 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड? ऑप्शन नंबर डी पिजन इज वार्म ब्लडेड एनिमल। 69 है रेगिस्तानी पौधों की बाहरी त्वचा, तो रेगिस्तानी पौधों की बाहरी त्वचा पर मूंग जैसे पदार्थ की परतें पाई जाती है, यह पदार्थ ऑप्शन बी ल्यूटिन है। 70 है डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है, ऑप्शन सी पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। 71 है डैश अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं, तो ऑप्शन सी चूहे अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर 17 है, कल पढ़ेंगे। तो आज के पास आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।